गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटे. हमने कल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो आई एक्सप्लेन टू यू, एनवायरनमेंट मींस टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेस सराउंडिंग अस, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक एलिमेंट्स. सो बेटे एनवायरनमेंट परफॉर्म्स सर्टन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन अवर डेली लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स अस विद द रिसोर्सेस. Then it sustains life. Most important feature of or function of environment, that by providing us with elements like air, water, soil, it sustains life. Then bete environment absorbs, assimilates waste which is generated as a result of production and consumption activities, that is absorbed by the environment. That environment also enhances the quality of life. So ये हमने कल already discuss कर लिया था. उसके बाद हमने ये discuss किया था कि carrying capacity of environment क्या होती है. So carrying capacity of environment basically implies two things. One, that the rate of resource extraction should not exceed the rate of regeneration of रिसोर्सेस. सपोज करो आप एक साल में 100 टन कोयला अर्थ में से निकाल लेते हो और अर्थ में वो कोयला जो है सिर्फ 50 टन दोबारा से रीजनरेट हो पाता है एक साल में. सो विच मीन्स यू आर एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट बिकॉज योर रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज मच मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो सेकेंड थिंग जो कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाई करती है वो ये कि द वेस्ट विच आर जनरेटेड शुड बी विद इन द एब्जॉर्प्टिव एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. सो वंस द बेटे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज एक्सीडेड, यानी जो आप रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो रेट ऑफ रीजनरेशन से कहीं ज्यादा है. सेकेंडली जो आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो वो आपकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है, तो उस केस में आपकी कंट्री में इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएंगे. और ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं आए हुए, ऑलरेडी वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन आवर कंट्री एज वेल एज इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टू प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर फेसिंग रिलेटेड टू एन्वायरमेंट. One problem we had already discussed, problem of pollution. So ये हम discuss कर चुके हैं. Air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution एक बहुत ही serious problem है जो सारी countries जो हैं world की वो face कर रही हैं. Second is बेटे problem of excessive exploitation of natural resources. So this is another problem relating to the excessive exploitation of natural resources. बेटे जो over a period of time industrialization बढ़ गया है, urbanization बढ़ गया है, तो इसके करके environmental problems बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. ठीक है, fast development के चलते हमारे जो existing resources हैं जो कि limited हैं already, उनके ऊपर बहुत ज्यादा strain पड़ रहा है. ठीक है, so excessive exploitation of natural resource की दो तरह की प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. वन इज डीफॉरेस्टेशन एंड अनदर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो डीफॉरेस्टेशन, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. एक एरिया में कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया है और कितना होना चाहिए आइडियल एक फॉरेस्ट कवर कितना, यानी अगर एक कंट्री में आप रह रहे हैं उसमें कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए. आइडियली हमारा वो जो फॉरेस्ट कवर है हर कंट्री का कम होता जा रहा है. वी आर रिजॉर्टिंग टू डीफॉरेस्टेशन, दैट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. रीजन बीइंग वही मैंने आपको बताया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
आपको अपने जो पेड़ हैं वो काटने पड़ रहे हैं, और फॉरेस्ट एरिया को आप या तो रेजिडेंशियल एरिया में या इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, ताकि आप अपनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मैंने डिस्कस कर ही लिए. वन इज दी यू नो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एनदर यू कैन से इज द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय इंडस्ट्रीज. सो जिस तरह से हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रही है, तो इंडस्ट्रीज को भी वुड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. तो मोर एंड मोर वुड मीन्स मोर एंड मोर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डेवलपमेंट के चलते हम चाहते हैं कि हम अपना डिस्टेंस जो है जल्दी कवर कर लें. यहाँ पर भी गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना दे, यहाँ पर भी डैम बना दे, यहाँ पर ब्रिज बना दे, ठीक है. तो जब ऐसा होगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन में रहना है, कंफर्ट लेवल बढ़ाना है, तो नेचर से खिलवाड़ आपको करना पड़ेगा. तो आपको ट्रीज कट करने पड़ते हैं जहां पर आपको डैम्स या रोड्स या ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है. इसके करके क्या हुआ है, इट हैज रिजल्टेड इन इरोजन ऑफ मोर एंड मोर रिवर चैनल्स एंड लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर. जो रिवर के आसपास जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसका जो सॉइल एरिया है वहां पे इरोजन बहुत ज्यादा होने लग गई है, ठीक. So let us see what have been the adverse effects of the deforestation. बेटे जो trees हैं वो carbon dioxide को consume करते हैं, oxygen देते हैं, carbon dioxide को absorb करते हैं. और हम human beings oxygen consume करते हैं, carbon dioxide release करते हैं. यानी हमें अपने survival के लिए एक ऐसा source चाहिए जो oxygen generate करता हो, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उसको जो एब्सॉर्ब करता होगा. सबको पता है दीज आर ट्रीज. तो जब बेटे आप ट्रीज ही काट रहे हो, तो कौन आपको ऑक्सीजन देगा और कौन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा. सो ये एक एडवर्स इफेक्ट है उसका. दूसरा बेटे, सॉइल इरोजन इज द अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल होती है ना उसकी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं. आपने साइंस में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो टॉप लेयर होती है ना वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. अब जब हम आसपास के एरिया से जो ट्रीज हैं, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज इस सॉइल को बाउंड करके रखते हैं. यहाँ पे अगर ट्रीज होंगे ना, ये इस सॉइल को, इस लेयर को बाउंड करके रखेंगे, ठीक है. लेकिन अगर हम यहां से ये ट्रीज को काट देंगे, हटा देंगे, तो ये सॉइल जो है ये लूज हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, लूज हो जाएगी. इसको जकड़ने वाला, पकड़ के रखने वाला, अब जो ट्री था वो हमने उखाड़ दिया, तो ये सॉइल लूज हो गई. अब जब भी तेज हवा चलेगी या पानी बहेगा, रिवर का पानी इधर से आएगा, तो ये टॉप लेयर को उड़ा के चला जाएगा, टॉप लेयर उड़ जाएगी. और टॉप लेयर तो सबसे फर्टाइल है, तो सॉइल की फर्टिलिटी इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है, ठीक है. सो फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के हम एडवर्स इंपैक्ट्स जो हैं तीन कैटेगरीज में बता सकते हैं. वन, there is a decrease in the area of forest. Another, there is disastrous flooding. जब बेटे जब हम trees जो हैं वो उखाड़ देते हैं, तो हमारा nature का balance जो है वो खराब हो जाता है, और बारिश बहुत ज्यादा से पड़ने लग जाती है, यानी कि floods आ जाते हैं, which prove to be quite disastrous. ठीक है. Then third one is soil erosion, which I have already explained. ठीक है. देन बेटे, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. लैंड की डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, इट सिंपली मींस लॉस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. लैंड हमें एक कल्टीवेबल लैंड जो है वो हमारे लिए किस तरह से एसेट है, वो उसमें एक फर्टिलिटी है, यानी वो हमें क्रॉप्स
ग्रो करने में हेल्प करता है, फर्टाइल है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अस. लेकिन अगर उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी इन लॉस. सो दिस इज टेकिंग प्लेस, लैंड इज डिग्रेडिंग. डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीनिंग दैट देयर इज डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एंड दिस अगेन हैपन्स ड्यू टू सॉइल इरोजन. इसका कारण क्या है? फर्टिलिटी क्यों कम हुई? फर्टिलिटी कहाँ थी? टॉप लेयर में थी सॉइल की. टॉप लेयर, हवा चलने से, तेज हवा चलने से, तेज पानी बहने से टॉप एयर लेयर उड़ गई. अगर ट्रीज, यहां पर ट्रीज लगे हुए हैं तो यहाँ की टॉप लेयर नहीं उड़ेगी. यहां पर ट्रीज हमने उखाड़ दिए तो ये जो सॉइल है ये लूज हो जाएगी, तो पानी से हवा से ये बह जाएगी, तो हमारी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. सेकेंड रीजन है फर्टिलिटी के कम होने का या लैंड की डिग्रेडेशन का, दैट इज वाटर लॉगिंग. पानी का जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना. तो जब एक्सेसिव वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वाटर जो है जनरली सलाइन होता है, नमक वाला पानी होता है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी जब बहुत ज्यादा, यू नो, सलाइन वाटर सॉइल के ऊपर बहुत देर तक पड़ा रहेगा, जमा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो वाटर लॉगिंग, उसको कहते हैं वाटर लॉगिंग. तो वाटर लॉगिंग, क्योंकि फ्लड्स बहुत ज्यादा आने लग गए तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई. वाटर लॉगिंग से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. सलाइन वाटर जब खड़ा रहता है तो उसे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. देन डीफॉरेस्टेशन अनदर यू नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ यू नो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और रिस्पॉन्सिबल. वी आर डिस्कसिंग बेसिकली द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. सो अनदर फैक्टर इज डीफॉरेस्टेशन. हम पेड़ काटते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाएगी. देन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स हैं जिससे सॉइल, नाम देखो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इज वन विच इंक्रीजेस दी फर्टिलिटी, है ना, उपजाऊ बनाता है हमारी धरती को, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर. लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि हम फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? बेटे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, यानी हम सॉइल में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फरस, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, फॉस्फरस, नाइट्रोजन, ये चीजें हम सॉइल में दे रहे हैं, तो अगर हम इसको आर्टिफिशियली देंगे तो उससे क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो वो फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन की बात करें, हम बार 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 उस चीज को देते रहेंगे तो वो सॉइल उसके इम्यून हो जाएगी और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी. इट्स जस्ट लाइक कि आपको नींद नहीं आती है, आप एक एंटी एंजाइटी पिल, नींद की दवाई खाते हो, तो आपको पहले तो पूरा महीना दो महीना वो दवाई खा के बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है, फिर आपको वो बॉडी में इस तरह से घुल मिल जाती है कि आपको, आपकी नेचुरल नींद भी कम हो जाती है और वो जो मेडिसिन है उसके कारण लॉन्ग रन में आपकी नींद जो है वो उड़ जाती है, ठीक है. सो फिर डेजर्ट एरिया बढ़ता जा रहा है ड्यू टू यू नो दिस डिफॉरेस्टेशन. देयर इज इंक्रीज इन द डेजर्टिफिकेशन. डेजर्ट का एरिया बढ़ना, यानी एरिड. एरिड क्या होता है? ड्राई लैंड. There is increase in the arid and semi-arid land. ठीक है, so यानी desertization जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि animals भी बहुत ज्यादा है. जितने बेटे हम human beings ज्यादा की population ज्यादा होगी, उतनी livestock की भी population हमें ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, उनकी breeding करनी पड़ेगी, तो उनको grazing के लिए लेके जाना पड़ेगा. जब वो grazing के लिए लेके जाते हैं तो जितने भी वहाँ पे पेड़ पत्ते झाड़ियाँ होती है ये सब खा जाते हैं, तो वो desert area में convert होता जाता है. Clear? Next is बेटे environmental degradation. Environmental degradation simply means, you know, deterioration of environment through the depletion of resources.
such as air, water, soil. तो जब ये resources की कमी हो जाती है ना, हमारा environment deteriorate होना लग जाता है या हमारा ecosystem destroy हो जाता है, उसको हम कहते हैं environmental degradation. ठीक है, तो environmental degradation basically it implies a fall in the yield of natural resources. जो natural resources की yield है, yield means output, productivity जो है उनकी, वो जो है वो कम होने लग जाती है. सो व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? सो बेटे वही पहला कारण, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन इतनी को ज्यादा बढ़ गई है, उसका प्रेशर लैंड के ऊपर बढ़ने लग गया है, जिससे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होने लग गई. सो जिस करके जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था, वो काफी उसका हिस्सा लैंड में कन्वर्ट हो गया और उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा. तो दैट रिजल्टेड इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सेकेंडली बेटे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने जो बहुत तेजी से की 90s के बाद, तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बूस्ट मिला. सो इट लेड टू सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में या हर कंट्री में ऐसी हैं जो कि ऐसे वेस्ट जनरेट करती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है. वो या तो अर्थ में दबा दिया जाता है, या उसको पानी में फेंक दिया जाता है, या हवा के थ्रू वो, स्मोक के थ्रू वो एयर में मिक्स हो जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है. ठीक है, तो इस तरह की, और यहाँ पेपर इंडस्ट्री है, शुगर मिल. आप देखो इधर फगवाड़ा की तरफ से निकलो, वहां पे शुगर मिल है. आप यू विल सी, जब भी आप उसके आगे से निकलोगे आपको बहुत ज्यादा धुआं दिखाई देगा. तो शुगर मिल भी धुआं छोड़ती है काफी ज्यादा. सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, दीज ऑल्सो क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन. ठीक है, ओके, यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? हमने अभी तक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के दो कारण किए हैं, वन एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. थर्ड वन इज बेटे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्वियसली अगेन जैसे मर्जी बोलो घुमा फिरा के हम पॉपुलेशन पे आ जाते हैं. पॉपुलेशन बढ़ी तभी तो हमें ज्यादा एरिया, जो फॉरेस्ट कवर वाला एरिया था, उसको हमें कहाँ लाना पड़ा, अंडर दिस फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज या रेजिडेंशियल एक्टिविटीज. तो वो जो एरिया हमारा कल्टीवेशन के लिए कम हो गया, वी स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन टेक्निक्स. We started making use of, multiple cropping and modern farming methods, increasing use of fertilizers, pesticides, insecticides, all these destroyed our ecosystem. So, आज आपको पता ही है, आज हमने अब realize किया है, अरे अच्छा हम pesticides खा रहे हैं इतने ज्यादा, हमारी crops के ऊपर जहर पड़ा हुआ है, हम chemical से जो हमारे जो fruits, vegetables grow हो रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं. So now we have taken a U-turn and organic farming is now becoming very, very popular. Then urbanization, increasing shifting of people, migration of people from rural to urban areas, that is my urbanization. So urbanization se bhi environmental degradation hota hai. Aapko लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, उनके घर बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए ट्रीज काटने पड़ते हैं. ठीक है, तो दिस हैज आल्सो लेड टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन पॉवर्टी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. पॉवर्टी कैसे रिस्पॉन्सिबल है बेटे? पॉवर्टी, गरीबी जो है, लोग गरीब हैं तो खाना खाने के लिए उनके पास, खाना कुक करने के लिए उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है. मैनी ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया फेस दिस प्रॉब्लम, दे डू नॉट हैव गैस. अभी गवर्नमेंट ने
उज्ज्वला स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिसमें गवर्नमेंट ने इन सबको एलपीजी दी थी फ्री की, लेकिन उसके बाद देखो बेटे जब सिलेंडर इतना महंगा 1000 रुपए का, इनका 5-4 हजार तो महीने का ये कमाते हैं, तो 1000 का ये सिलेंडर ही ले लेंगे तो बेटे कहाँ जाएंगे। सो व्हाट डू दे डू, पुअर पीपल दे गो टू देयर यू नो नियर बाय फॉरेस्ट, कट डाउन द ट्रीज एंड यूज दी दिस वुड एज देयर फ्यूल। सो अगेन दिस इज अनदर, लकड़ी तो कट रही है ना, चाहे वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमने खाना खाना है, हमें उसके लिए फ्यूल की जरूरत है, हम आग जलाएंगे तो ही हमारा खाना कुक होगा, तो आग जलाने के लिए वो लकड़ियां काट लाते हैं, तो उसके करके भी हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी, हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री का बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी ना, जब लोग बीमार रहने शुरू हो जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो हमारा ग्रोथ प्रोसेस जो है वो भी रिटार्ड होगा। फिर इन्वायरमेंट के ऊपर जो इशू जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो तो क्या कहने उसके, है ना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं हमें मिलता, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है ताकि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फ्यूल ढूंढ सकें, और हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया क्योंकि जो एयर वाटर पोल्यूशन के करके जो लोगों में बीमारियाँ आ रही हैं उसको हमें दूर करना है तो उसके लिए हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सो बेटे दिस वॉज अबाउट दी problems related to environment. यहाँ तक बेटे, किसी को कोई doubt you can ask. After that we will be starting with the second